इक्विलिब्रियम के बारे में हालांकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो इक्विलिब्रियम अगर सब वर्ड आता तो इक्विलिब्रियम होते हैं दो तरह के, एक ट्रांसलेटरी होता और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉडी है ना तो मूव नहीं कर रही वो, यानी अपनी पोजिशन में चेंज नहीं जा रही, ठीक है ना, कि वेन टू और मोर देन टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो then it is said to be in translatory equilibrium and there is no change in the position of body takes place। यहाँ पर है तो ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ये इधर चले गए, ना कुछ नहीं हो रहा, अपनी जगह पर है वहीं। ऐसा तब होगा जब नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है ना। तो क्या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कह सकते हैं? नहीं, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब देर इज नो चेंज इन द पोजिशन। दूसरा रोटेशन इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर क्या कि वेन टू और मोर टॉर्क्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी says that net torque is zero, then body is said to be in rotational equilibrium and there is no rotational motion takes place। तो अगर ये कहा जाए कि इक्विलिब्रियम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि ना तो वो अपनी पोजिशन में चेंज ला रही है और ना ही रोटेट कर रही है, यानी उस पर नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। केवल नेट फोर्स के जीरो होने को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते, है ना, उसको हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इसका मतलब इट मींस अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क इज जीरो, तब उसे इक्विलिब्रियम में कहेंगे। आप कहेंगे केवल नेट फोर्स जीरो हो तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, वो रोटेट कर रही हो लेकिन आगे पीछे चल ना रही हो, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब होगा कि वो घूम नहीं रही है, वो ना घूम नहीं रही है लेकिन उस पर क्या कहते हैं आगे पीछे चल रही है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं है। और अगर दोनों चीज़ जीरो तो इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक चीज़ सीखो कि जैसे ये बॉडी है, इस पॉइंट पर फिक्स किया, ये फोर्स लगाया, इसको अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो ये पोजीशन बिल्कुल ऐसे है, यहाँ पकड़ लिए, फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ये लग रहा है, तो देखो ये घूमने लग गई है, तो ये ऐसे घूमेगी, ये जो घूमना है ये क्लॉकवाइज है। हम कहेंगे इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि शुरू से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पढ़ते हुए आ रहे हैं लोग। और इसी तरीके से अगर ऐसा हो और ऐसे फोर्स लगे तो ये ऐसे घूमेगी, ये हो एंटी क्लॉकवाइज और ये पॉजिटिव हो। टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे निकालें, जैसे आपने बनाई, मैं बताता हूँ तरीका कि जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रही है, फोर्स की डायरेक्शन से उसकी तरफ एरो बना दो, जैसे ये फोर्स नीचे, इससे इधर एरो बना दो, इससे ऐसे एरो बना, समझे ना। तो इस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, उससे पता लग जाएगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप कहें सर इधर मैं पॉइंट लूँ तो ये एरो इधर बन जाता और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वो कहते हैं इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यू नो दैट रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा, ये भी तो सीखा हमने। टोटल टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी नेट टॉर्क जीरो है। आप सोचो ना कि हो सकता है किसी बॉडी पर टॉर्क ऐसे लगे हो कि एक उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने चाह रहे हैं, कुछ टॉर्क उसे क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, लेकिन वो घूम नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने टॉर्क हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने टॉर्क हैं आपस में इक्वल है। अब देखो जैसे मैंने कहा एक बॉडी है, इस पॉइंट पर फिक्स है वो, ये फोर्स लगा, ये लगा, ये लगा, एफ वन से यहाँ तक का डिस्टेंस डी वन है, एफ टू से यहाँ तक का डिस्टेंस डी टू है, एफ थ्री से यहाँ तक का डिस्टेंस डी थ्री है, इसके अबाउट वो घूम रही है, तो ये टॉर्क होगी एंटी क्लॉकवाइज इसके डायरेक्शन से इधर, और ये दोनों हो गए क्लॉकवाइज, है ना। अब बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट ओ, एफ वन एफ टू एफ थ्री आर द फोर्सेज प्रोड्यूसिंग टॉर्क टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री एंड द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब टॉर्क नेट जीरो होगा, डन। अब इसमें देखो ये दोनों टॉर्क जो हैं वन और थ्री वाले, ये तो है क्लॉकवाइज नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव है, तो ये एफ टू डी टू फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर माइनस माइनस जीरो ही आ जाएगा। ये टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क है क्लॉकवाइज, तो क्या लिखा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, हो गया प्रूव। अब इन पर ना बेसिकली क्वेश्चंस हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल है, अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर मास 4 केजी सपोर्टेड बाय टू नाइफ एज सपोर्ट एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच एंड, ये रहा ये पूरी रोड है और ये नाइफ एज सपोर्ट है और एंड इस एंड से 10 सेंटीमीटर, इससे 10 सेंटीमीटर,
यहाँ पर ही सपोर्टेड है, ठीक है। इसका अपना मास 4 kg है, तो यू नो दैट मास सेंटर ऑफ मास पर लगता है, और यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है, तो ये रहा 4 kg, 4 × g, 4 kg तो मास है ना, तो वेट जो होगा 4 × g होगा। अब वेट ऑफ 6 kg सस्पेंडेड एट 30 cm फ्रॉम वन एंड, ये दिखा दें हमने, यहाँ से ले लो, ये 30 cm हो जाएगा, आपको यहाँ से ले लें सर, यहाँ से ले लो। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट्स, ये रिएक्शंस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 35 होगा क्योंकि पूरा 70 है, 30 है, तो बीच का गैप 5 बचेगा, ठीक है। ये रिएक्शन आ गई दोनों सपोर्ट की ऊपर की तरफ, तो आप देखो ना तो आपकी रोड मूव कर रही है इधर उधर, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ना ही रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेटरी भी है। तो मास ऑफ रोड 4 kg, इट इज़ एक्टिंग एट मिड पॉइंट सी, और वेट जो हो गया 4 × g हो गया, R1 R2 रिएक्शन हो गई। अब क्योंकि देर इज़ नो ट्रांसलेटरी मोशन इन द रोड, सो एफ नॉट इज इक्वल टू 0, तो दो फोर्स हो गई ऊपर की तरफ और दो हो गई नीचे की तरफ, तो ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस, सॉल्व करो, जी की वैल्यू 10 लगाओ, ये इक्वेशन आ गई। अब देर इज़ नो रोटेशन, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा, किसके अबाउट, सी के, कोई ज़रूरी है नहीं, डी के अबाउट ले लो, ई के, ए के, जो भी, कोशिश करो टॉर्क जब निकालो किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट निकालो जिस पर फोर्स लग रहा हो, रीज़न उस फोर्स का तो टॉर्क 0 हो जाएगा ना, कम से कम ये कैलकुलेशन तो कम होगी। तो देखो R1 से सी की तरफ मैंने एरो बनाया, R2 से सी की तरफ बनाया, और 4 × 6 g से सी की तरफ बनाया, तो ये क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो R1 × EC माइनस में, ठीक है, 6 g × DC प्लस में, और R2 × CF प्लस में, ये लिखा है ना देखो सब, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज को प्लस लिखना, क्लॉक वाइज को माइनस लिखना, अगर सारे क्लॉक वाइज हों तो फिर माइनस ना भी लो तब भी चल जाता। ये मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, बाकी सॉल्व किए, और ऐसा करके एक इक्वेशन मैंने बनाई ये देखो है ना, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, सॉल्व करके R1 R2 की वैल्यू निकालो। अब बिल्कुल ऐसे ही वाला क्वेश्चन है ना, इसको अपने आप से कर सकते हैं। अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 100 cm, मास 10 kg, सपोर्टेड बाय 2 knife-edge सपोर्ट एट 2 ends, इस बार दोनों एंड्स पर है। अ वेट ऑफ 6 kg सस्पेंडेड 40 cm अवे फ्रॉम 1 end, 40 हो गया यहाँ से। कैलकुलेट रिएक्शन, जो का दो क्वेश्चन है खुद करना। कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना, कपल ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, साफ साफ लग रहा है कि ये दो फोर्सेस होते होंगे, लेकिन हर दो फोर्स को हम कपल कह देंगे नहीं, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, देखो जैसे ये बॉडी ए बी है, इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक नीचे, तो दोनों फोर्सेस जो है ना अपोजिट हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, दिख रहा हम लोग को, और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका ये है, और इसकी टेंडेंसी है बॉडी को घुमाने की। और नोटिस करो ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो देखो एरो बनाऊंगा क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये ऐसे है, देखो ये पेन रखा ना, इधर से नीचे लगाऊंगा मैं, थंब से ऊपर लगाऊंगा, तो ये ऐसे है, ये ऐसे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तभी तो घूमेगी ये, इसको कहते हैं। तो अ पेयर ऑफ फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन सच दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ पॉइंट कपल ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैं अगर इसका मोमेंट निकालना चाहूँ, इसको टॉर्क है, तो आप देखो ये ओ के अबाउट घूमने के लिए फ्री है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों के मोमेंट को जोड़ दूंगा, दिखा दिया मैंने, माइनस मैंने बाहर लगा दी क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज ही, नहीं भी लगाऊंगा कोई मुश्किल नहीं, तो पहले का होगा FD1 FD2, एफ को मैं लेकर D1 D2 D आया, F × D, माइनस तो क्या बता रहा, क्लॉकवाइज ही आ गया F × D है ना, D1 D2 को D लिख दिया, तो ये F × D आ गया माइनस में, और फिर क्या लिख रहे, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, जो दो फोर्सेज हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, यानी कपल का जब हम टॉर्क निकालें तो क्या करें कि दोनों में से एक फोर्स ले लें और बीच का डिस्टेंस पूरा है उससे मल्टीप्लाई करें, ये कपल ऑफ फोर्स है, डन।